हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं। कोरोना की इस महामारी के बीच में भी आपका पूरा का पूरा परिवार चंगा है, आप भी खुशहाल हैं और अच्छे से इस लॉकडाउन का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो खबर आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बता रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कुछ कह रहे हैं 12 घंटे की। और क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी, पिछले साल ही भारत ने करीबन 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करी थी। तो क्या भारत में वास्तविकता में ऑक्सीजन की कमी है या इसकी कालाबाजारी हो रही है? गवर्नमेंट इसमें रोकने का क्या प्रयास कर रही है और आम आदमी इसमें क्या कर सकता है? इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, एग्जाम से ऐसा क्या हो गया कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई और गुजरात, एमपी, राजस्थान में तो एकदम क्रिटिकल शॉर्टेज पे पहुंच गया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब सीधे आके कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन दीजिए वरना हमारे यहाँ के मरीजों की हालत काफी गंभीर हो गई है। तो क्या भारत के पास खुद की ऑक्सीजन नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंडिया की आज भी कैपेसिटी है वो करीबन 7127 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। तो ये उलट फेर हुआ कैसे? एक्चुअल में जो लास्ट डेज का आंकड़ा हमारे पास आया है उसके अनुसार हमको 4300 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट हो रही है पूरे इंडिया के अंदर, जो पिछले पिक से काफी ज्यादा है। लास्ट ईयर जो पिक आया था उसमें करीबन हमको 3000 मेट्रिक टन की आवश्यकता हुई थी, जो अभी 4300 पे पहुंच गया। शॉर्टेज नहीं होते हुए भी हमको आज शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं फिर भी आज हम हमारे मरीजों को ऑक्सीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 7147 मेट्रिक टन का उत्पादन है, 3800 मेट्रिक टन ही हम मेडिकल में दे पा रहे हैं, बाकी बचा हुआ जो है वो इंडस्ट्रियल में जा रहा है। ये इंडस्ट्री से अब मोदी गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफाई करा है इसको मेडिकल में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण, दूरदर्शिता ना होने के कारण इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये काफी पैनिक की सिचुएशन दिल्ली में, अहमदाबाद, राजकोट में बनी हुई है। इसके साथ में 50,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है मोदी गवर्नमेंट ने। एक तरफ तो हमने लास्ट ईयर करीबन 9,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करे और इस साल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल इस पैंडेमिक के एक साल गुजरने के बावजूद भी हम उस स्तर तक नहीं सोच पाए कि अगर हमको ऑक्सीजन की सप्लाई उस समय चाहिए होगी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अधिकतर हमने बांग्लादेश, भूटान, सीरिया, इन देशों को हमने ऑक्सीजन सप्लाई करा है, लेकिन मुझे अब लगता है कि कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए क्योंकि काफी इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम केवल गवर्नमेंट के मिसकैलकुलेशन के कारण और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन न होने के कारण उत्पन्न हुई, क्योंकि हम हमारी जरूरतों से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं फिर भी हम उतने मरीजों को बचा नहीं पा रहे हैं, कुछ मरीज ने दम तोड़ दिया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे जरूर बताइए।